शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था वो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम दादी माँ पृष्ठ संख्या 6 से आरंभ करेंगे। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करो तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खाती दूसरी फसल कटेगी। लेखक यहाँ कह रहा है कि ये उन दिनों की बात है जब उसके किशन भैया की शादी तय हो गई थी और उस समय दादी माँ बहुत खुश थी और काम के कारण सारा समय वह व्यस्त रहती थी, गायब रहती थी। सारे काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर पर ले लिया था। पास की पड़ोसन आती उन्हें बुलाने के लिए, परंतु वह वहाँ पर नहीं जा पाती और उनसे यही कहती कि बहन बुरा मत मानना, मेरे घर में शादी का समय है, मेरे किशन की शादी है, इसलिए मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ आजकल। और कहती कि एक काम अगर मैं अपने हाथ से ना करूँ तो कोई वह काम होने वाला नहीं है या कोई करने वाला नहीं है। परंतु लेखक यहाँ पर यह भी कर रहा है कि जानने वालों को पता था कि दादी माँ एक भी काम अपने हाथों से नहीं करती, परंतु जितना सच यह है उतना सच यह भी है कि अगर किसी काम में दादी माँ उपस्थित ना हो तो उस काम को करने में वे लोग देरी कर देते थे, इसलिए दादी माँ का वहाँ पर होना जरूरी था। यहाँ लेखक एक दिन का जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि एक दिन जब वो दोपहर के समय घर पर आया तो देखा दादी माँ किसी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी, बहुत बिगड़ रही थी। उसने देखा तो पता चला कि रामी की चाची है और दादी माँ उससे कह रही है कि मुझे पैसे आज ही दे दो, वो भी सूद के साथ। मांगते समय तो कैसे गिड़गिड़ा रही थी, किसी ने एक पैसे तक नहीं दिया था, और अब जब देने की बारी आई तो कैसे कह रही है कि फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या उसके लिए दूसरी फसल लगेगी। यहाँ दादी माँ पैसे वसूलने के लिए रामी की चाची पर बहुत बिगड़ रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। रामी की चाची कह रही है कि मालकिन, अर्थात वो यहाँ पर मालकिन दादी माँ को कह रही है, मालकिन मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी, मेरी बिटिया की शादी है जिस कारण पैसे मैं नहीं लौटा पा रही हूँ। अगर आप मुझ पर दया नहीं करेंगी तो उस बेचारी का विवाह कैसे होगा। वह दादी माँ की ओर झुकी, तभी दादी माँ पीछे हट गई और कही कि दूर हट जा, मैं अभी भी नहाकर आ रही हूँ। लेखक इस सारे प्रसंग को देख रहा है और इसको काटने के लिए कहता है कि जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, लौटा देगी कभी। तो दादी माँ गुस्से से कहती है, चल चल, बड़ा आया मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दो दो नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची। तो उसने विवल होकर कहा,
उड़ीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। यहाँ लेखक कह रहा है कि इसके बाद वह चुपके से आंगन की ओर चला गया और इस प्रसंग को, इस दृश्य को, इस बात को वह लगभग भूल गया था। बहुत दिनों के बाद जब एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली तो वह उसके दादी को दो नाव पुतो फलों का आशीर्वाद दे रही थी। तब लेखक ने पूछा कि क्या बात है धनो चाची, तो उसने बहुत ही विह्वल होकर कहा, विह्वल का अर्थ है व्याकुल होकर, उड़ीन हो गई बेटा अर्थात मैं धन्य हो गई, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी और पिछले जो भी बकाया था अर्थात पीछे का या पहले का जो भी बकाया था उन सबको माफ़ कर दिया, और इतना ही नहीं मुझे 10 रुपये का नोट देकर कहा, देखो धन्नु जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है, 5-10 रुपये के लिए उसका विवाह नहीं रुकना चाहिए, लड़का बहुत अच्छा है बिल्कुल देवता के समान है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ किया। मैं मनी मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कह रहा है रामी काकी से कि उस दिन तो दादी बहुत बिगड़ रही थी और आज इतना बदल गई है, तो रामी काकी कह रही है कि ये तो बड़े लोगों का काम ही है, रुपया देकर अगर डांटे भी ना तो फिर क्या फायदा। लेखक इसके बाद मनी मन इस बात पर हंसते हुए वह आगे चला जाता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती है, विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है, उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, औरतों ने उस पर आपत्ति की। यहाँ लेखक कह रहा है कि किशन के विवाह कई दिनों की बात है और विवाह से 4-5 रोज पहले से ही जो आसपास की औरतें हैं वह रात रात भर आकर गीत गाने का कार्य शुरू कर दिया था, और जिस दिन विवाह होता है उस दिन रात को ये सारी औरतें एक तरह का अभिनय या नाटक करती है। यह नाटक या अभिनय आमतौर पर एक ही कथा का हुआ करता है, इस नाटक में विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति अर्थात पुत्र का जन्म कैसे होता है इन सब के दृश्य दिखाया जाता है, और यह कार्य या अभिनय सभी औरतें करती हैं। लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा पाता है और उसका ममेरा लड़का अर्थात जो मामा का लड़का है वह बारात के जाने के बाद पहुंचता है, जिस कारण वो भी वहां पर नहीं जा पाता है अर्थात बारात में नहीं जा पाता है। लेखक का ममेरा भाई दलान में सो रहा है, जिस पर औरतों ने आपत्ति की अर्थात उन्होंने कहा कि इसके यहाँ सोने से हमें परेशानी हो रही है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था, बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ भेद खुल जाए तो बाहर निकाल किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ, हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। जब औरतों ने लेखक के ममेरे भाई के सोने पर आपत्ति की तो दादी माँ औरतों को कह रही है कि बच्चों से क्या पर्दा, बच्चे और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। लेखक भी वही पास में एक चारपाई बिछाकर दादी माँ ने उसको सुला दिया था। अभिनय देखकर लेखक को बहुत हंसी आ रही थी, हंसी रुकी नहीं,
वह अपने हंसी को जहां तक संभव हो रोक कर रख रहा था, किंतु भाभी के एक अभिनय पर उसने अपने हंसी को नहीं रोक पाया और उसका भंडा फूट गया। तभी देवू की माँ आती है और चादर खींच देती है और कहती है, दादी माँ, यह बच्चा किसका है? सोया है, रो रहा है, बेचारा भूखा मालूम होता है, इसको दूध तो पिला दूँ? तब इस बात पर दादी माँ बिगड़ जाती है और कहती है कि बच्चे से क्यों लड़ती हो। यहाँ देवू की माँ ने लेखक को चिढ़ाने के लिए दूध पिलाने की बात कही थी, जिस पर दादी माँ बिगड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, आखिरी भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद, सबका दिन शुभ हो। उस रोज